ये हमारी पहली क्लास है वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हम पहली क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग हम सीखने का पर्पस क्या है, क्यों सीख रहे हैं वीबी, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, हम कब यूज करेंगे उसको, इन सारी बातों पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली कुछ क्लासेस थ्योरिकल होगी, उसके बाद हम कोर कंसेप्ट और प्रैक्टिकल पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीवीए मैक्रो के पार्ट क्या क्या है, मतलब कि वीवीए अगर एक फैक्ट्री है तो उसका प्रोडक्ट क्या क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो इन द वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आप जो क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे माइक्रो। माइक्रोज एक ऑटो पायलट है जिसमें आप कंडीशंस, अपने सारे कंडीशंस को ऐड करें, और कंडीशन ऐड करने के बाद जैसे आप रन करेंगे तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन के बिहाफ पे आपका माइक्रो रिपोर्ट्स को प्रोसेस करेगा। जो काम आप घंटों में करते हो, काम वो सेकंड में कर देगा। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं इवेंट माइक्रो। माइक्रो के दो पार्ट हैं, इवेंट माइक्रो और माइक्रो है। इवेंट माइक्रो क्या होता है? एक तो ऊपर अगर माइक्रो बनाओगे तो आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, मतलब कि आप जो क्लिक करोगे या आप उसको अप्लाई करोगे या स्टार्ट करोगे तभी रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। बट इवेंट माइक्रो क्या होता है कि आपकी किसी एक पर्टिकुलर एक्शन पे रन हो जाता है। जैसे मैं कहीं पे डबल क्लिक किया या मैं कहीं पे क्लिक किया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ जहां जहां मैं क्लिक करूँ वहां वहां एरिया हमारा कलर हो जाए, तो उस केस में हम इवेंट माइक्रो लगाएंगे। कहाँ पे? व्यू कोड में जाके सिंपल सा यहाँ पे वर्कशीट और यहाँ सिलेक्शन, एक लाइन का कोड डाल देते हैं कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर। अभी कोड क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है इवेंट माइक्रो। तो देखिए, तो जो कोड करने का, कलर करने का, रेड कलर करने का जो कोड है, कब परफॉर्म कर रहा है? जब आप किसी सेल पे क्लिक कर रहे हैं। तो इवेंट माइक्रो ऑटोमेटिकली रन होता है जिस इवेंट पे हमने सेट किया है ट्रिगर करने का, कि भाई मेरा माइक्रो ट्रिगर हो इस पर्टिकुलर इवेंट पे, तो उसी पर्टिकुलर इवेंट पे वो ट्रिगर होगा, ठीक है। जी और जो थर्ड आता है वो आता है फंक्शंस, मतलब कि फॉर्मूला। तो जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे फॉर्मूले हैं हमारे पास, आप इस तरह के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से। तो फंक्शंस, अब एक क्वेश्चन ओके आता है कि एक्सेल में ऑलरेडी इतने सारे फंक्शन है, फिर भी क्यों फंक्शन है? क्या होता है कि जो एक्सेल में अवेलेबल फंक्शन है, हो सकता है कि सारे फंक्शंस जो है आपको कोई एक यूनिक, आपको एक कोई यूनिक प्रॉब्लम आ गया, फिर यूनिक कैलकुलेशन आ गया जिसके लिए कोई फॉर्मूला है, जैसे या फिर जो आप अप्लाई करते हो उसके लिए फॉर्मूला लेंदी है, आपको बहुत बड़ा लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यू कैन क्रिएट द ऑन फॉर्मूला, फंक्शन की मदद से आप खुद के लिए फॉर्मूला क्रिएट कर सकते। तो फॉर्मूला सिर्फ वीवी के लिए, इसके एक्सेल के लिए नहीं होता है, हम वीवी माइक्रो के लिए भी फॉर्मूला बनाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको 20 जगह करना है। कभी कभी जब माइक्रो आप बनाओगे तो कुछ ऐसे 10-15 लाइन का कोड होगा, उस कोड को आपको मतलब कि 20 बार 25 बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे। तो आपको 20-25 कोड लिखने पड़ेंगे। मतलब होता क्या है, तो हम माइक्रो लिखते हैं, एक माइक्रो की साइज की लिमिटेशन होती है 255 करेक्टर। 255 करेक्टर से बड़ा, अगर उससे ज्यादा अगर फायर है कोड हुआ तो वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो
वहीं पे वो एरर देगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोड को बराबर करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और फिर जहां जहां हमें उस पर्टिकुलर कोड की जरूरत पड़ती है एज ए फंक्शन उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शंस का इस्तेमाल नए फॉर्मूले बनाना होता है, चाहे वो एक्सेल के लिए हो या वीवीए के लिए हो। इन द लास्ट हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या होता है? यूजर फॉर्म को हम कह सकते हैं इसको यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस से मतलब ये है कि जब आप एक्सेल में काम करेंगे, जब वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग बनाएंगे और बहुत सारे मैक्रो आपने लिखा, तो उस सारे मैक्रो में आपको कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी जब प्रोजेक्ट हमारा होता है तो उस बड़े प्रोजेक्ट को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे मैक्रो लिखने पड़ते हैं और बहुत सारे मैक्रो को इस्तेमाल करना होता है अलग अलग कंडीशन पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि ये आपका पिवट टेबल भी एक मैक्रो है, तो पिवट टेबल पे क्रिएट जैसे क्लिक किया तो हमें ये पॉपअप आया। ये पॉपअप क्या है? दैट्स यूजर फॉर्म, इसको इंटरफेस। जो हम टेबल सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे कंडीशंस देंगे, उसी कंडीशंस को रेफरेंस मिलेंगे, इसके बैकएंड का मैक्रो चलेगा और पिवट टेबल क्रिएट करके देगा। तो इस तरह के जो डायलॉग बॉक्सेस है वो बॉक्सेस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूजर फॉर्म, ताकि यूजर से हम कोई भी काम करवाए तो वैलिडेट करवाए। तो वैलिडेट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैक्रो। तो चार चीज हम करते हैं एक्सेल के अंदर में, वीवीए मैक्रो के अंदर में, कि वीवीए कोड, वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से हम मैक्रो बनाते हैं, हम इवेंट बनाते हैं, हम फंक्शंस बनाते हैं और हम यूजर फॉर्म बनाते हैं। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट इसमें? जी नहीं, और किसी को डाउट? सपना जी, संतोष जी, डाउट आप लोग को? ये तो हो गए इसके पार्टीशंस, वीवीए के पार्टीशंस। अब बात करते हैं सिचुएशन। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर काम के लिए वीवीए इस्तेमाल करें, तो वीवीए इस्तेमाल करने के लिए हमें सिचुएशन चाहिए। तो दो केसेस में वीवीए इस्तेमाल करते हैं। पहला है रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जिसको आपको बार बार करना हो, जो डेली बेसिस पे करना हो, बार बार करना हो, ऐसे काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीवीए मैक्रो के लिए। जैसे कि मैंने आपको जो मेल किया, जो क्लास की आईडी जो मेल की थी मैंने, तो उसके लिए हमारे पास एक मैक्रो बना हुआ है मेल का। मैं अगर दिखाऊं आपको, ओपन विजुलाइजेशन, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे क्लास का टाइमिंग लिखूंगा, जैसे कि मैं 45 लिखा, और यहां पे मैं अपना लिंक डालूंगा और जितने भी बैच से बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करूंगा और जस्ट प्लीज करूंगा कंट्रोल एम। जैसे मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा, सबको मेल चला जाएगा। तो मुझे मैनुअली आपको क्या बोलते हैं, मेल भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन भर मुझे मेल भेजना होता है तो मैनुअली मेल भेजूंगा तो काफी दिक्कत होगा, दिन में 17-18 मेल करने पड़ते हैं। तो हर बार ये ऑटोमेटिक बैकएंड में एक ईमेल को खोलेगा, जीमेल आईडी को खोलेगा, अभी कंपोज मेल को लॉगिन करेगा, कंपोज करेगा और मेल सेंड कर देगा, और इस विद इन सेकेंड में हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा आता है लेंदी जॉब, मतलब कि आप ऐसे काम हम कभी भी आते हैं जो कि काफी लेंदी होते हैं, लेकिन उसको नॉर्मल एक्सेल के जरिए करना मुश्किल है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, मैं एक बार इनका एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले दिया था। हाँ ये रहा। ये वेबसाइट का लिस्ट है, मैं इस वेबसाइट को लिस्ट को कॉपी करता और कॉपी करके मैंने अपने एक्सेल शीट में मान लीजिए यहीं पे पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वेबसाइट का लिंक है, तो कुछ लिंक तो है सब ठीक है, कुछ लिंक नहीं है। जैसे कि ये इंडिया लिस्ट, अब इंडिया लिस्ट डॉट कॉम है, डॉट को है, डॉट क्या है, ऐसे नुकान तो है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर जो हाइपर लिंक लगा हुआ है वो हाइपर लिंक में एग्जैक्ट लिंक लोकेशन है, तो ये इनके हाइपर लिंक को मुझे अलग करना है। और मेरे ये लाखों में मेरा साइट है, तो हाइपर लिंक अलग करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट हाइपर लिंक में जाऊंगा और इसकी लिंक को कॉपी करके और यहां पे पेस्ट करूंगा, और इसी प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। और 1 लाख का डेटा है तो काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन ये काम सिर्फ एक बार आया हुआ है, इन फ्यूचर में ये काम नहीं आएगा, सिर्फ एक बार काम आया। ठीक है, अब एक बार काम आया लेकिन मुझे इसको करना तो है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फंक्शंस लव बनाए, वीवीए बनाएंगे, वीवीए का यूज करेंगे। और वीवीए मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल्स लिया और हम एक छोटा सा फंक्शन था कि फॉर्मूला बना देते हैं। मान लीजिए मैं आर नहीं, इसका नाम मैं यू आर एल देता हूँ, यू आर एल, और यहाँ पे वेरिएबल एन एज ए मैं देता हूँ रेंज। अब ये क्या है कैसे है इसके बारे में हम समझेंगे, हम समझ रहे हैं यूज के बारे में पहले। तो यू आर एल इक्वल टू हमने बोल दिया एन डॉट हाइपर लिंक, और यहाँ पे दे दिया हमने एड, सॉरी हाइपर लिंक, और यहाँ पे ब्रैकेट 1 डॉट एड्रेस। ये छोटा सा एक लाइन हमारा लिख दिए तो हमारा कितना बड़ा काम आसान हो गया। देखिए मैं यहाँ यू आर एल लिख के फंक्शन अप्लाई करूंगा, एंटर मारूंगा, यहाँ यू आर एल आ जाएगा। तो पहले डिफाइन करने पड़ेंगे कि आप जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं जिस काम के लिए प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, जिस रिपोर्ट के लिए प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, वो रिपोर्ट एक बार के लिए है, बार बार के लिए क्या है। क्योंकि तो मान लीजिए कि एक बार के लिए आया हुआ है वो नॉर्मली आसानी से हो जाएगा, तो फिर उसके लिए आप बड़ी लंबी प्रोग्रामिंग क्यों करेंगे। तो ये पहले डिसाइड करना होता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग करना होता है। तो दो सिचुएशन होते हैं कि पहला रिपीटेड जॉब और दूसरा लेंथी वाला। अब तीसरा एंगल हम देखते हैं कि अगर मैं फाइल किसी को भेजू तो उसमें मैक्रो ना रखू, ये मेरी प्रेफरेंस होती है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने मैक्रो बनाया है वो मैक्रो हर पीसी का, जब डेवलपर टाइप में जाएंगे तो मैक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है, डिसेबल विथ नोटिफिकेशन।
कि मैक्रो वाली फाइल जब ओपन होगी, सबसे पहले तो इवेंट मैक्रो प्रोग्राम उसमें फंक्शन नहीं करेगा, और दूसरा उसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि उसे यहां पे पॉपअप देगा, मैक्रो का पॉपअप देगा अनेबल करने का। तो अगर सबको पता हुआ तो अनेबल करेगा, पता नहीं होगा तो अनेबल नहीं कर पाएगा। इसलिए आप किसी को मेल कर रहे हैं तो उसके लिए VVA फंक्शन अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि VVA का जो प्रोग्राम आपने लगाया है वो एक्सेल पे वर्क करेगा, लेकिन जो रिपोर्ट आप भेजते हैं तो बॉस लोग अपने सेलफोन पे भी देखते हैं। सेलफोन पे देखते हैं तो दो तरीके होता है, खाते एक गूगल स्प्रेडशीट होता है या फिर इसका माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट होता है। दोनों केसेस में VVA परफॉर्म नहीं करता है। तो जो जिस फाइल को आपको भेजना है किसी थर्ड पर्सन को, तो उस पे माइक्रो लिखना, माइक्रो के इस्तेमाल करना अवॉइड करें। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपने तीन चीजें सीखी इसमें। पहले चीज सीखी कि VVA के थ्रू हम क्या क्या बनाएंगे और ये सब होता क्या है। उसके बाद हम सिचुएशन सीखा जिसमें हमने लेंथी जॉब के एग्जांपल देखा, और दूसरा अगर आप माइक्रो किसी को भेज रहे हो तो आप उसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल, सॉरी VVA कोड का इस्तेमाल अवॉइड करें। आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर VVA कोड जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि VVA मैक्रो प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आपकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन चाहिए कि माइक्रो जो सिक्योरिटी है, सबसे पहले डेवलपर टैब ही होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे। एक्सेल ऑप्शन में यहां कस्टमाइज रिबन में जब आप आएंगे तो कस्टमाइज रिबन में आप यहां पे कस्टमाइज रिबन में डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए तो आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। अब यहां पे जब आएगा तो डेवलपर में जाएंगे और यहां पे माइक्रो सिक्योरिटी, और यहां पे अनेबल माइक्रो, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, अनेबल माइक्रो करना पड़ेगा। अनेबल मैक्रो करने से पहले एक चीज बता दूं आपको कि डिसेबल क्यों होता है। डिसेबल होने का कारण ये है कि मैक्रो, अगर कोई फाइल मैक्रो आपको भेजता है तो उसके साथ हो सकता है कि कोई मैक्रो वायरस भी भेज दे, मैक्रो वायरस भी होता है, याद रखिएगा। ओके, ठीक है। तो इसलिए एनेबल करने से पहले सोच लिए। दूसरा, जिस फाइल में आप मैक्रो लगा रहे हैं उस फाइल को आप सेव करेंगे मैक्रो वर्कबुक में, सेव नहीं करेंगे आप उसको, सेव करेंगे एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। अगर आपने उस फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आप, सॉरी इसमें एक्सेल वर्कबुक में सेव किया तो आपके जितने भी माइक्रो है सारे के सारे माइक्रो लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, एक माइक्रो फाइल को, माइक्रो को कोड कैरी नहीं करता, इसको रिमूव कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव कर।
लेकिन दिक्कत क्या है कि कभी कभी गलती से ऐसा हो सकता है कि मुझे हमारे दिमाग से निकल जाए, हम इसका इस्तेमाल ना कर पाए। उस केस में आप एक्सेल के ऑप्शन में जाएं, सेव पे जाएं और यहां पे एक्सेल मैक को अनेबल वर्कबुक को सेट कर दें डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे फाइल आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आपको सिलेक्ट हुआ आएगा। तो जल्दीबाजी में आपने ध्यान नहीं भी दिया तो आपका माइक्रो लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फाइल को हमेशा सेव कीजिएगा इसी चीज में। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रो को ओके okay. अनेबल करना और फाइल को सेव करना माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। दो चीज करने के बाद ही आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे खुद का कोडिंग हो, समझ गए? उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि जब जब मैं शुरुआत में मैन लर्निंग कर रहा था तो मैंने एक वेबसाइट को फॉलो किया था, excel-vva.com। इसके कुछ बेसिक चैप्टर है, जो 33 चैप्टर है, मैंने भी इसको स्टडी किया था, आज से नहीं है बहुत दिन से है। तो मैं चाहूंगा कि ये चैप्टर जो है, ये सारे चैप्टर आप लोग भी स्टडी करें, बेसिक स्टडी करना है। तो excel-vva.com को खोलिए और इसको स्टडी कीजिए। फिर कल हम आपको बताएंगे कि रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या होता है, रिकॉर्डिंग मैक्रो में जो कोड होता है कोड को हम कैसे चेंज करके इंप्लीमेंट करके हम उसको डायनेमिक करें, ये हमारी कल की टॉपिक रहेगी। तो ये बैच 10 to 11 वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हुआ है, आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? ठीक है जी, और आज की रिकॉर्डिंग मैं YouTube पे डाल दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? तो आज के ओके लिए टाइम, कल मिलते हैं सेम 10 बजे, ओके। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।